शार्क टैंक इंडिया फेम अश्नीर ग्रोवर अपने बयानों के लिए अक्सर चर्चा का विषय बन जाते हैं। कुछ दिनों पहले उन्होंने सलमान खान को लेकर भी एक बयान दिया था। उन्हें अपनी पुरानी कंपनी के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया था। सलमान को साइन करने वाली इसी बयान को लेकर अब खुद सलमान ने उनकी कायदे से क्लास लगाई है। दरअसल अश्नीर ग्रोवर इस बार बिग बॉस 18 में पहुंचे हैं। वहीं से सलमान और अश्नीर का एक टीजर आया है जिसमें सलमान अश्नीर को दोगलेपन और उनके एटीट्यूड के लिए झाड़ लगा रहे हैं। सलमान इस प्रोमो में अश्नीर से कह रहे हैं, अश्नीर मैंने आपको मेरे बारे में कहते हुए सुना है कि इसको इतने में साइन कर लिया, इसको उतने में साइन कर लिया, सारे फिगर्स भी आपने गलत दे दिए, ये दोगलापन क्या है? इसके जवाब में अश्नीर कहते हैं, हो सकता है सर उस पॉडकास्ट में मेरी ये बात सही तरीके से बाहर ना आई हो, इसीलिए ऐसा लगता हो आपको। इस पर सलमान ने उन्हें जवाब दिया, ये जिस तरह से अब आप बात कर रहे हैं इस तरह से उस वीडियो में ये एटीट्यूड नहीं था। कुछ सेकंड के इस टीजर में अश्नीर के चेहरे की हवाइयां उड़ी दिख रही हैं। ऐसा नहीं है कि अश्नीर पहली बार अपने बयान के लिए घेरे में हो, इससे पहले वो कई सारे मुद्दों पर कई सारे बयान दे चुके हैं जिसके लिए उन पर तमाम तरह के आरोप लगते आए हैं। सलमान यहाँ जिस पॉडकास्ट या जिस वीडियो की बात कर रहे हैं उसमें अश्नीर ने सलमान के लिए कहा था, मैं सलमान खान से मिला, 3 घंटे बैठा उसके साथ, उसके मैनेजर ने बोला कि फोटो नहीं खिंचवानी है, मैंने बोला नहीं खिंचवाऊंगा फोटो, भाड़ में जा तू, मगर सलमान बंदा बहुत स्मार्ट है, उसको बिजनेस की समझ है। एक और वीडियो में अश्नीर कह रहे हैं, मैं छोटी कंपनी में था, मुझे लगा कि मैं सलमान को ब्रांड एम्बेसडर लूंगा, तो मैंने सलमान की टीम को अप्रोच किया, उन्होंने कहा 7.5 करोड़ रुपए लगेंगे, तो मैं कैलकुलेशन कर रहा था कि 100 करोड़ हैं, 1-2 करोड़ की एड बनेगी, फिर उसे चलाने में भी खर्च लगेंगे। मैंने सलमान खान को बोला कुछ कम कर दे भाई, तो वो 4.5 करोड़ में मान गया। एक टाइम पर तो उसका मैनेजर बोलने लग गया कि सर मछली खरीदने आए हो क्या। अश्नीर का ये वीडियो सोशल मीडिया पर आग की तरह फैला, सलमान तक भी पहुंचा होगा, जिस पर अब सलमान ने अश्नीर की क्लास लगाई। वैसे अश्नीर बिग बॉस 18 में क्यों पहुंचे हैं इस बात की कोई पुख्ता जानकारी फिलहाल सामने नहीं आई है, मगर कहा जा रहा है कि अश्नीर घर में वाइल्ड कार्ड एंट्री ले सकते हैं। इस खबर को लिखा था हमारी साथी मेघना ने, मैं हूं शिवानी। सिनेमा से जुड़ी हर खबरों के लिए देखते रहिए ललन टॉप सिनेमा। बहुत बहुत शुक्रिया। 499 रुपए में क्या ही मिलता है, पॉपकॉर्न का एक डब्बा मिलता है, एक कहानी पूरी सुनते हो और सब सफाचट हो जाता है, लेकिन अब बारी है कितनी ही कहानियां सुनने की। मम्मी को आप पसंद क्यों नहीं है बताएंगी सुनंदा शर्मा। मम्मी कैसी हैं पूछेंगे महीप सिंह। कहाँ गाड़े थे विधायक जी आके खुद बताएंगे रामाधीर सिंह यानी कि तिग्मांशु धूलिया। तापसी पन्नू आएंगी और बताएंगी ओटीटी पर साम्राज्य कैसे कायम किया जाता है। और तमन्ना की तमन्नाओं की भी तो खबर सुननी है। फिर मुन्ना भैया भी चले आ रहे हैं पूरा कारवां लेकर, और जो मुन्ना भैया बचे वो आ रहे हैं स्टैंड अप कॉमेडियन एक और, नाम है गौरव कपूर। पर इन सब से इतर है एक बहुत बड़ा सवाल जिस पर पूरे ब्रह्मांड में मंथन चल रहा है कि ब्राउन रंग किसने लिखा है। जानने के लिए बादशाह रैपर से आपको खुद सवाल पूछना पड़ेगा, काहे से कि वो भी आ रहे हैं। इतने सारे सितारे आ रहे हैं, सब नहीं बता पाएंगे क्योंकि ये लल्लन टॉप अड्डा का प्लान है, कोई पेपर तो है नहीं जो लीक हो जाए। 499 रुपए का टिकट है, 3 दिन की भरपूर मौज है। तारीख जल्दी से कैलेंडर पे कटअप जीरो करके बना लीजिए, 22, 23 और 24 नवंबर। जगह है दिल्ली का नेशनल स्टेडियम, मेजर ध्यानचंद यानी दद्दा के नाम पर बना हुआ नेशनल स्टेडियम। और ये टिकट मिलेगा कहाँ, फटाक से जाइए dlallantop.com की वेबसाइट पर, उसके माथे पे चमचमाता हुआ बैनर दिखेगा, ठोक दीजिएगा क्लिक, भर दीजिएगा डिटेल, मिल जाएगा आपको अपना टिकट। और मिलेंगे हम जो इस टिकट के उस पार की दुनिया, किस्से कहानों की तजुर्बों की ज्ञान की दुनिया को आपके सामने परोसेंगे। बहुत सारे सवाल होंगे, बहुत सारा गाना, बहुत सारी मस्ती और बहुत ही लल्लन टॉप किस्म के अनुभव। तो आइए लल्लन टॉप के सालाना उत्सव में लल्लन टॉप अड्डा में आपका भरपूर स्वागत है।